रियासत से शहरी को सवाल करने का हक है कि ये तुम दहशतगर्दों के मुआविन हो या दहशतगर्दों के मुकाबले में बेबस हो। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। आज दहशतगर्दी की शरह क्यों कर 2001 और 2 से 10 गुना ज्यादा हो गई है? क्या रियासत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? जमीयत उलमा इस्लाम पाक चाइना ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत करती है कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उस पर मुदाखरत की हम इजाज़त नहीं देते। हमने 9/11 के फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों को हवाई अड्डे दिए। आइन तमाम इदारों के दायरे कार का तायुन करता है, बशमूल अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आइन मुतायन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाजों से भी मुतसादिम है, जिसे हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हाल ही में जो उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ऑपरेशन का ऐलान किया है, वहाँ भी यकसुई नहीं पाई जा रही। यकीनन अवाम के जहन में 2001 से जब मीज़ान ऑपरेशन शुरू हुआ था और रद्दुल फसाद ऑपरेशन तक जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आज दहशतगर्दी की शरह क्यों कर 2001 और 2 से 10 गुना ज़्यादा हो गई है? मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा, कौम को एतमाद नहीं रहा है, फिर लोग घर बार क्यों छोड़ेंगे? और दो रोज के बाद वज़ीर आज़म हाउस से उसकी वजाहत जारी हुई, कुछ मालूम नहीं कि अब लोग किस बयान की तरफ मुतवज्जे हों। पूरे मुल्क में एक इज़्तिराब, दो सूबों में खास तौर पर एक इज़्तिराब। अवाम सुबह शाम कन्फ्यूज हैं, गैर महफूज हैं, घर से बाहर निकलते हैं, यकीन नहीं होता कि हम घर वापस सही सलामत लौट सकेंगे या नहीं। और फिर उन ऑपरेशंस के अंदर जो अवाम के नुकसानात हुए हैं, घर बार छोड़े हैं और फिर उनके घर तबाह हो गए हैं, आज तक उनके नुकसानात के मुआवजात नहीं दिए गए। फाटा का इंतजाम किया गया, फाटा की तरक्की के लिए 10 साल तक हर साल 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, जिसकी मंजूरी असेंबली से ली गई थी, लेकिन आज भी 100 अरब 7 साल हो चुके नहीं पूरे किए जा सके। क्या रियासत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? हम पर तो लाजिम है कि हम रियासत का एहतराम करें, हम पर तो लाजिम है कि हम रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जबान ना खोलें, लेकिन कब उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आएगा? कब वो रियासत के अंदर रहने वाले अवाम की आरज़ुओं को पूरा कर सके? जमीयत उलमा इस्लाम पाक चाइना ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत करती है, उसको मजबूत से मजबूत तर देखना चाहती है, उनके इस्तेहकाम और दवाम इस्तेहकाम की आरजूमंद है, लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चाइना का एतमाद बहाल नहीं कर सकते। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है, हरचंद के हम ये समझते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की ये वाज़ह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उस पर मुदाखरत की हम इजाज़त नहीं देते। ताहम पाकिस्तान की रियासत कहाँ खड़ी है, उसकी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है? क्या ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी नहीं? क्या ये पाकिस्तान की लॉबी की नाकामी नहीं है? इस पहलू पर कम अज़ कम हमारी सफारती इदारों को भी गौर करना होगा और रियासत को भी इस हवाले से अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी होगी। किसी बाज़ाब्ता इत्तेहाद में जाने का इंतज़ार किए बगैर अपने प्लेटफार्म से जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया है। अलबत्ता राबतों के अमल को मुस्बत और सियासी अमल तसव्वुर किया जाएगा, और अगर सियासी जमातों के दरमियान बाहमी ताउन का माहौल पैदा हो तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसे काबिल अमल बना सकें। कहा गया कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले करेंगे, ये कोई नई बात तो नहीं है। तुमने 9/11 के फौरन बाद
पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों को हवाई अड्डे दिए, तुमने अपनी फजाएं अमरीकियों के हवाले की, 20 साल तक तुमने पाकिस्तान के हवाई अड्डों से अमरीकी जहाजों को उड़ने की इजाजत और अपनी फजाओं से गुजरकर अफगानिस्तान में बमबारियों की इजाजत दी। 20 साल तक अफगानिस्तान पर आपकी सरजमीन से बमबारियां होती रहीं, वो नजर नहीं आ रही। आज दहशतगर्दी के उनवान से फिर एक भड़क मारने की कोशिश कर रहे हो कि हम अफगानिस्तान में जाकर कार्रवाई करेंगे, तो दरू ने दर्ज कर दी कि बिरू ने खाना आई। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को रोकने और उसके खात्मे में तो तुम नाकाम हो चुके हो, अब जाते हो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमलों की बात करते हो। पहले तो हमें ये इस बात का जवाब दिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में हकूमती फंड्स के से जारी होने वाले प्रोजेक्ट्स, क्या उनके फंड्स का 10% दहशतगर्दों को अदा नहीं किया जाता? रियासत से शहरी को सवाल करने का हक है कि ये तुम दहशतगर्दों के मुआविन हो या दहशतगर्दों के मुकाबले में बेबस हो? हम रियासत के लिए फिक्रमंद हैं, हमें इन तिफल तसल्लियों से तसल्लियां देने की कोशिश न की जाए, संजीदा गुफ्तगू की जाए। हम मामलात को आपसे बेहतर जानते हैं। चमन बॉर्डर है, अंगूर अड्डा है, गुलाम खान है, मीरान शाह से आगे कोरम एजेंसी का बॉर्डर है, जमरोद है और बाजावर तक जाएं, वहां पर बॉर्डर पर आबाद पाकिस्तानी आबादियों पर वो कदगने लगाई जा रही हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में इस किस्म की कदगने नहीं हैं। बहुत से सवालात हैं, हम वो सवालात उठाकर रियासत के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जो कुछ वहाँ इकदामात हो रहे हैं, तुम हज़ार कहो कि हम मुल्क की मफाद में कर रहे हैं, न ये मुल्क की मफाद में है, और अगर है तो किसी बैरूनी आका के मफाद में हो रहा है। सिवाय मकामी लोगों के माशी कत्ल के इसका और कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। जमीयत उलमाए इस्लाम ने 5 अगस्त को, जिस रोज़ इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया और अपने आईन के आर्टिकल 370 को हज़फ करके कश्मीर की मुस्तकिल हैसियत का ख़ात्मा किया, हम पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम ने गज़ा और फ़िलिस्तीन में अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। हम फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन के साथ हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे इस मौक़िफ़ के साथ अमेरिका और मगरब हमें क्या खिताब देता है? उनकी नज़र में तो अमारत इस्लामी अफगानिस्तान भी दहशतगर्द है, उनकी नज़र में तो हमास भी दहशतगर्द है, लेकिन क्या किसी को दहशतगर्द करके आप खित्ते में अमन ला सकते हैं? इसराइल की हिमायत करना ये जंग जुर्म है। क्यों? वो बेगुनाह शहरियों पर बमबारी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ इसका भी नोटिस ले कि उसे जंगी मुजरिम करार दे और उसे आलमी अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा करे। लेकिन साथ ही जमीयत उलमाए इस्लाम, पाकिस्तान की हकूमत हो या आलमी इस्लाम, तमाम हकूमतों को झंझोड़ना चाहती है कि बहैसियत मुसलमान आप वो फर्ज अदा नहीं कर रहे जो इस्लाम आपके ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह और उसका दीन और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर मुसलमान को जहां खड़ा होने की हिदायत दे रहा है, जिस फर्ज की अदायगी की तालीम दे रहा है, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान गाफिल हो चुके हैं, वो अपने इक्तदार के नशों में धुत हो चुके हैं और पूरा आलम इस्लाम अपने हुक्मरानों के लिए नाराज़गी का इजहार करता है, उससे लातालुकी का इजहार करता है। कम अज़ कम इस्लामी दुनिया के हुक्मरान उम्मत के लिए माँ बाप का किरदार अदा करते और आज उनका सहारा बनते, इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को और फ़िलिस्तीनी अवाम को बेसहारा छोड़ दिया है। हम बहैसियत एक जमात के अपनी कौम से भी और आलम इस्लाम से भी अपील करते हैं कि जहां हम सियासी हिमायत करेंगे, जहां हम अखलाकी हिमायत करेंगे, वहां इस वक्त इन हालात में उनकी माली मदद करना सब पर वाजिब है। भरपूर माली मदद से उनको नवाजा जाए ताकि मुश्किल दिन वो आसानी से गुजार सकें, उन बच्चों को कुछ खिला सकें,
किसी का इलाज कर सकें, न वहाँ ग़िज़ा के लिए कुछ है, न वहाँ दवा के लिए कुछ है। और हमने इनको सहयूनी दरिंदों के रहम करम पे छोड़ दिया है। कभी उम्मत मुस्लिमा की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान जो तारीख रकम कर रहे हैं, आने वाली नस्लें इनके बारे में क्या कहेंगी, उसका उन्हें खुद अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम ने 7 सितंबर को, ये बात मलहूज नज़र होनी चाहिए कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तरमीम के ज़रिए कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया था। पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को, हमारे दानिश्वरों को क्या हो जाता है, ये किसके एजेंट बन जाते हैं कि कभी वो इसराइल की तस्लीम करने के लिए मुहिम चलाते हैं और कभी आज उनको कादियानियों के हकूक सामने आ गए हैं। हमसे ज्यादा इंसानी हकूक कोई नहीं जानता। हम इंसानी हकूक का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सूफी मोहम्मद शरीयत की बात करता है लेकिन आईन का इनकार करता है, अदलिया का इनकार करता है, और उसके बावजूद उसको गद्दार करार दिया जाता है, तो फिर कादियानी अगर आईन का इनकार करते हैं, अदालतों का इनकार करते हैं, फैसलों का इनकार करते हैं, तो उन्हें इंसानी हकूक के हवाले से नहीं सोचा जाएगा, मुल्क और आईन से वफादारी के तराजू पर तोला जाएगा और किसी तरीके से भी उनको ऐसी मराहत देने का हक नहीं दिया जाएगा कि जिससे वो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर सके। चुनांचे जो आईन कहता है और जो कानून कहता है, आईन और कानून दोनों उनके हदूद का तायुन करता है। किसी को भी हक नहीं है कि वो कादियानियों का वकील बन सके। और इंशाल्लाह 7 सितंबर 2024 को 50 साल पूरे होने पर लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली मनाई जाएगी उस फैसले की, और इस दिन को यौमुल फतह करा दिया जाएगा। मैं पूरे मुल्क के आवाम से, जमीयत उलमा इस्लाम की तंजीमों से, मजहबी तंजीमों से और उनकी निचली सतह की तंजीमों से ये अपील करूंगा, उनको हिदायत भी दूंगा कि वो लोगों को उठाएं यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में और इस यौमुल फतह में और गोल्डन जुबली में शिरकत के लिए उनको आमादा करें। इंशाल्लाह मुसलमानों ने पाकिस्तान इस कादियानी नवाज लाबी की कमर तोड़कर रख दे। 14 अक्टूबर को मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह की याद में मुल्कगीर इज्तिमा किया जाएगा, और ये इज्तिमा इस साल सूबे सिंध में किया जाएगा। सूबे सिंध की जमात जिस शहर का तायुन करेगी इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत बड़ा अजीम शान इज्तिमा होगा, कॉन्फ्रेंस होगी। अपने असलाफ को याद करना, उनको जिंदा जावेद बनाना, ये कौम का एक फ़र्ज बनता है। ताजरों ने जिस हड़ताल की अपील की है, जमीयत उलमा इस्लाम बिजली गैस टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ उनके हड़ताल की भरपूर हिमायत करते हैं।